क्वेश्चन नंबर सी 2, 4, 6, 8 नेक्स्ट दो प्लेसेस पर यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे। इसमें हम देख रहे हैं हर नंबर्स के बाद दो दो का डिफरेंसेस है, यहाँ पर हो गया 10 एंड नेक्स्ट यहाँ पर 12। नेक्स्ट डी ऑप्शन 10, 20, 30, 40 यहाँ पर 10 का डिफरेंसेस है तो यहाँ पर हो जाएगा 50 एंड देन यहाँ पर 60। इस प्रकार ये पैटर्न्स के क्वेश्चन है जिसे हम इस प्रकार करेंगे। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए हाफ ईयरली एग्जाम रिवीजन वर्कशीट लेकर आई हूँ। क्लास 3 मैथ की रिवीजन वर्कशीट हम देखेंगे, साथ ही इसके सॉल्यूशन भी देखते चलेंगे। इससे पहले मैंने क्लास 1 की हिंदी, ईवीएस, इंग्लिश की वर्कशीट आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देखें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम रिवीजन सेट के नाम से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार का क्लास फर्स्ट में बच्चों से पूछा जाता है, राइट द नंबर्स नेम। यहाँ पर क्लास 1 में इस तरह के नंबर्स रहते हैं, 2 डिजिट वाले 11, 19, 14, D, 37, E, 50। चलिए इसके सॉल्यूशन भी यहाँ पर मैं लिखते जा रही हूँ। A 11, B 19, C 14, D 37, E 15। इसमें बच्चों को स्पेलिंग नेम दिखाना, याद करवाना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर राइट ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू 100 and 98। 100 greater than 98, 81 greater than 18, 44 equal to 44, and 4, 28 less than 82। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर राइट डाउन हाउ मेनी टेंस एंड वन इन ईच नंबर्स। यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, टेंस और वंश लिखा गया है। यहाँ पर कितने टेंस एंड कितने वंश हो रहे हैं ये बच्चों को यहाँ पर लिखना है। 52 कितने टेंस हो रहे हैं और कितने वंश, 52 में 5 टेंस 2 वंस। उसी प्रकार नंबर 2 33 3 टेंस 3 वंस। नंबर 3 36 3 टेंस 6 वंस। 4 61 6 टेंस 1 वंस। चलिए इसके आंसर भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप बच्चों को सॉल्व करवाएं, साथ ही इसको चेक करें कि बच्चे कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस नंबर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली कोई भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ज़्यादा से कम और असेंडिंग ऑर्डर कम से ज़्यादा। नंबर 1 है यहाँ पर 9, 18, 16 and 24। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आता है, तो यहाँ पर हो गया सबसे पहले 24, 18, 16, 9। उसी प्रकार नंबर बी में 68, 59, 21, 70 में सबसे बड़ा नंबर हो जाता 17, नेक्स्ट लार्ज नंबर 68, नेक्स्ट लार्ज नंबर 59 एंड लास्ट 21। नंबर सी 100 सबसे लार्ज नंबर हो गया, नेक्स्ट 75, 50, 25। इसको हम इस तरह लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 or false, राइट ट्रू और फॉल्स 26 = 21 + 6 months, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स क्योंकि यहाँ पे दोनों देखिए वंस लिखा गया है, टेंस लिखा ही नहीं। बी 52 कम्स इन बिटवीन 51 and 53, 52, 51 and 53 के बीच में आता है, राइट ट्रू। सी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 49 is 4 + 19, फॉल्स। एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 + 9। 38 कम्स बिफोर 37, 37 के पहले आता है, फॉल्स। 38 कम्स बिफोर 37, यहाँ पर 26 ये फॉल्स हो गए, ट्रू फॉल्स। 38 कम्स बिफोर 37, ट्रू है या फॉल्स है।
चलिए बच्चों, ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। अब आप इसको सॉल्व करके हमें बताएंगे ट्रू है या फॉल्स। ऊपर मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया है, चलो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐड एंड मैच, यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, इसको ऐड करना है फिर इसके साथ मैच करना है। जैसे 2 + 3 = 5, 5 यहाँ पे हो गए और यहाँ पे 5, तो ये इस तरह मैच हो जाएगा। 4 + 0 = 4, 7 + 2 = 9 एंड 8 + 2 = 10। यहाँ पे जो नंबर है उस हिसाब से इसको हम मैच करेंगे। इसके सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 + 3 = 5, 4 + 0 = 4, 7 + 2 = 9, 8 + 2 = 10। इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी आप बच्चों को करवाएंगे। नेक्स्ट हो जाते हैं ऐड, 9 + 2 + 6 ऐड करके कितने हुए। चलिए बच्चों इसको आप ऐड करके सॉल्व करेंगे कि कितने हो रहे हैं। तो 6 + 2 कितने हो गए, 8 और 8 + 9 = 17, 16 + 9 = 17। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 17, 1 7 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 3 + 5, 5 + 5 = 10। इस तरह बच्चे इसको प्लस करेंगे या तो लाइन ड्रॉ करके कर, जिस तरह भी बच्चे प्लस करते हैं उस तरह प्लस करके यहाँ पर आंसर लिखना है। ड्रॉ 3 डबल्स मतलब मल्टीपल करना, 9 + 9 × 3, 9 × 3 = बच्चे अभी तक डबल 6 चुके होते हैं, तो 9 × 3 = 27। नेक्स्ट 4 × 8 = 32, 3 × 7 = 21। नेक्स्ट राइट द मशीन नंबर, यहाँ पर मशीन नंबर है इसे हमें लिखना है। 42 के बाद क्या आता है, 43। नेक्स्ट 44 हो गया, फिर 44 के बाद हमारा आता है 45 एंड 46। तो ये हमारा बीच का जो मिसिंग नंबर है इसको हम रेड से हाईलाइट कर देते हैं। इस तरह ये सीरीज जो है कंप्लीट हो जाती है, 42, 43, 44, 45, 46, 47। इसी प्रकार 11, 12, फिर यहाँ नंबर है 13 के बाद यहाँ हो जाता है 14, फिर नेक्स्ट हो जाता है 15। नेक्स्ट ये सीरीज हो गई 11, 12, 13, 14, 15, 16। इस तरह बीच के मिशन नंबर या तो वन प्लेस पे या टू प्लेसेस पे रहेंगे जो बच्चों को सॉल्व करने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हमको सर्कल करना है, या फिर आप अंडरलाइन करें या गोला करें, कुछ भी दिया रहता है यहाँ पे सर्कल रहता है। यहाँ पे हम सॉल्व करके रेड से हाईलाइट कर रहे हैं। 16, 13, 29, 14, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा 13। नेक्स्ट इसी प्रकार बी में 64, 25, 55, 23, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 23 है, उसको हमने रेड से हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स, यहाँ नंबर्स लिखना है 5, 10, 4, 1, 6, इसको हम क्या लिखेंगे, 5, 10, 4, 1, इसको हम इस प्रकार 54 लिखेंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार 7, 10 एंड 8, 1, 78। इस तरह के क्वेश्चन भी बच्चों को आते हैं, यहाँ पर आंसर भी मैंने लिख रखा है। राइट द न्यूमरल्स, यहाँ पे नंबर्स नेम में लिखा गया है, इसको हमको नंबर्स में लिखना है। 84 बी में है, 106 सी 69। इसके सॉल्यूशन इस प्रकार देख लीजिए, 84, 106, 69। नेक्स्ट है राइट द शेप एंड नेम, ये कौन सा शेप है, तो ये हमारा है रेक्टेंगल, RECTANGLE, इसके स्पेलिंग बच्चों को लर्न करवानी होगी। नेक्स्ट ये हो जाता है ट्रायंगल, TRIANGLE ट्रायंगल। लास्ट ये हो जाता है सर्कल, CIRCLE सर्कल।
इसी प्रकार कई बार आपको शेप्स दिए रहते हैं और ये नेम दिए रहते हैं, इसको मैच करना भी रहता है बच्चों को, इस तरह भी क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट राइट पैटर्न्स, जैसे सर्कल ट्रायंगल सर्कल, फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, वापस ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये नेक्स्ट सीरीज यहाँ पर ट्रायंगल हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, एक एक रिपीट होता जा रहा है। तो इसी प्रकार ये आपका जो है ये उदास है, फिर स्माइल उदास, तो फिर ये हो जाएगा स्माइल। चलो इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ, नीचे उदास है स्माइल उदास, और फिर ये हमारा स्माइल हो जाएगा, यानी इस तरह एक के बाद एक ये टर्न इस प्रकार ही स्माइल हो। उदास स्माइल सैड फिर स्माइल, इस तरह ये बन जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर्स के भी पैटर्न्स रहते हैं, कितने डिफरेंसेस रहते हैं, इस प्रकार नंबर्स के पैटर्न्स आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर आपको क्लास फर्स्ट से 8 तक के सभी सब्जेक्ट के वर्कशीट, एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन टिप्स, ओलंपियाड एग्जाम के वर्कशीट एंड डिफरेंट ओलंपियाड एग्जाम के बारे में समय समय पर जानकारी रहती है कि आप उस ओलंपियाड में किस प्रकार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।